हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों, इनैक द्वारा ए प्लस ग्रेड प्राप्त है इसको। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है ये। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बताई है। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने पीएचडी जो कि एडमिशन होंगे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एडमिशन जिनके लिए मांगे गए हैं, तो नोटिफिकेशन और रेगुलेशन नीचे बताया गया है और इनके स्पेसिफिक अप्लाई करने की लिंक दी हुई है। तो आप इनके स्पेसिफिक अप्लाई करने की लिंक से ही जाइएगा। और यदि आपको पीएचडी अफिलेटेड कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है तो उसका नोटिफिकेशन और रेगुलेशन दिया हुआ है, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्होंने सब्सक्राइब स्क्रीम के तहत भी यहाँ पर बताया गया है, यदि कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर आवेदन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर, तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकता है और नोटिफिकेशन देख सकता है इनका। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हम इनका एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि इनके कैंपस के से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन और रेगुलेशन देख लेते हैं, उसके बाद में अफिलेटेड कॉलेज से रिलेटेड भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है जो यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए है। तो दोस्तों, प्रोग्राम और फैकल्टीज यहाँ पर बताई हुई है। तो आर्ट्स के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि आर्ट्स के अंदर इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, कॉमर्स, पॉपुलेशन स्टडीज़, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, फिलोसफी। और साइंस के अंदर मैथमेटिक्स, स्टेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। मरीन साइंस के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे बताए हैं। ऐसे इन्होंने लैंग्वेज के भी कुछ सब्जेक्ट बताए हैं, जैसे कि तमिल, लिंग्विस्टिक। और इंजीनियरिंग के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, फार्मेसी। एजुकेशन के अंदर भी इन्होंने बताए हैं, जैसे कि एजुकेशन फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स के अंदर म्यूजिक, डांस। एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी सारे इन्होंने बताया है। तो इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की फ़ीस दोस्तों 1500 रुपये है। और आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, बाकी लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, जैसे कि हमने आपको वेबसाइट पर दिखाया भी है, तो आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि एप्लीकेशन फॉर्म ये 12 जून से स्टार्ट हो गया है और 12 जुलाई तक आप 5:30 बजे तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको हार्ड कॉपी भी यहाँ पर सेंड करनी है, तो उसकी डेट की अलग से बताई हुई है कि 22 जुलाई तक आपका हार्ड कॉपी यहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। और एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू यहाँ पर नोटिफाई कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, तो आप इनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों, हम इनके रेगुलेशंस देख लेते हैं जहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डिटेल हमको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये इसका रेगुलेशन का नोटिफिकेशन है जहाँ पर अन्य डिटेल मिलेगी। तो हम आपको डायरेक्ट उस पेज पर लेकर चलते हैं जहाँ पर एलिजिबिलिटी दी हुई है। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी गई है। मास्टर डिग्री आपकी 55% के साथ में होनी चाहिए या CGPA 5.5 होनी चाहिए आपके पास में, 10-point स्केल के हिसाब से। और दोस्तों, ये किसके लिए मांगी गई है, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट साइंस, मरीन साइंस, इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, इन सभी के लिए मांगी गई है। और SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर और PWD कैटेगरी वालों के लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे, 5.0 CGPA। और दोस्तों, यदि किसी ने मास्टर डिग्री की हुई है 10+2, 3+2 के बेस पर, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने फिर से प्रोग्राम बताए हैं, तो यहाँ पर प्रोग्राम इन्होंने फिर से बताए हैं। और दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने स्पेसिफिक भी बताई है, जैसे कि आप फाइन आर्ट्स के अंदर इंग्लिश के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको क्या डिग्री चाहिए होगी और कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे, तो वो यहाँ पर पूरा डिटेल के हिसाब से बताया हुआ है। जैसे कि इंग्लिश के अंदर बताया हुआ है, हिस्ट्री सभी के लिए यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप इनके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ में यहाँ पर इन्होंने PhD के एडमिशन होने के बाद में आपकी क्या फ़ीस लगेगी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, वो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एंट्रेंस एग्जाम आपका लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाता है, MCQ बेस पर क्वेश्चन आएंगे जो कि 70 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे आपको और 30 का वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा, 50% लाने होंगे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पास होने के लिए, रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का। और दोस्तों, जिन्होंने MPhil डिग्री की है अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, UGC GRF है, नेट एस लेट सेट गेट CISR ICHR ICPR ICSSR क्वालिफाइड है या टीचर फेलोशिप होल्डर है, तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, बाकी आगे इन्फॉर्मेशन और भी इन्होंने दी है। तो ये एडमिशन किस प्रकार से होगा। और फीस की बात करें तो दोस्तों, PhD फुल टाइम और पार्ट टाइम इन्होंने सभी के लिए बताई है, तो फुल टाइम देख सकते हैं एनुअल फीस है, पार्ट टाइम वालों के लिए एनुअल फीस सभी के लिए बताई है, एनुअल फीस है यहाँ पर।
तो नॉर्मली आर्ट वाले सब्जेक्ट के लिए 26,000 रुपये के आसपास फ़ीस है, और जो साइंस के सब्जेक्ट है उनकी 40,000 के आसपास फ़ीस है, और कुछ की अलग अलग है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं सभी की फ़ीस अलग अलग है। तो यहाँ पर अलग से बताई हुई है PhD ऑन कैंपस वालों के लिए क्या लगेगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या लगेगी, तो यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और एक्सटर्नल फॉरन स्टूडेंट उनको क्या देना होगा, हॉस्टल फ़ीस भी यहाँ पर बताई हुई है। तो सभी के लिए इन्फॉर्मेशन अलग अलग है, और फेलोशिप यहाँ पर कौन कौन सी अवेलेबल हो सकती है तो सभी दी हुई है। यहाँ पर सभी डिटेल आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों हम इनकी अदर इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं जो कि इनके कॉलेज से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप वेबसाइट पर पहुँचने बाद में कॉलेज वाले सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और रेगुलेशन भी देख सकते हैं। हमने ये डाउनलोड कर लिया है तो हम आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर ये PhD प्रोग्राम ने अफिलेटेड कॉलेज के लिए बताया है, तो इसकी फ़ीस भी सेम ही है। और आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है तो जो कि हमने ऑलरेडी आपको शुरुआत में ही बता दिया है, और इसकी लास्ट डेट भी सेम है, और हार्ड कॉपी भी इसके अंदर भी सेंड करनी पड़ेगी आपको, और ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। सभी चीज़ें यहाँ पर सेम हैं, और इनका रेगुलेशन देख लेते हैं जिनके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों ये इनका रेगुलेशन वाला ही फॉर्मेट है, तो हम इनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं यदि इन्होंने एलिजिबिलिटी के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं तो। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है जो कि सेम ही है, बाकी आप जब भी अप्लाई कीजिएगा तो अपनी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल्स दी है, और यदि कोई पार्ट टाइम के लिए आवेदन कर रहा है तो NOC भी उनको देनी होगी, और मोड ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो सभी के लिए सेम ही है लगभग, यहाँ पर सभी डिटेल्स सेम ही दी हुई है, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। और दोस्तों लास्ट के अंदर इन्होंने कुछ फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, तो ये फॉर्मेट्स दिए हुए हैं यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपकी थीसिस का किस प्रकार से रहेगा, आपको क्या करना है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। NOC वगैरह सर्टिफिकेट्स जो भी आपको चाहिए होंगे तो नीचे फॉर्मेट दिए हुए हैं डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह के, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी। अब दोस्तों हम इनकी विशेषता स्क्रीम के तहत वाले नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इनका विशेषता स्क्रीम वाला नोटिफिकेशन है, तो इन्होंने बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT फेज वालों के लिए होगा फेज सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी फैकल्टी के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं और कौन सी कैटेगरी के लिए आवेदन मांगे गए हैं और सीट नंबर भी यहाँ पर बताए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 1-1 सीटें हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर फेलोशिप बताई गई है 43,750 रुपये आपको पर मंथ मिलेगी और सेकेंड ईयर तक, उसके बाद में 43,750 रुपये आपको 3rd ईयर लास्ट तक मिलेगी, टोटल 5th ईयर के लिए आपको यहाँ पर मिलती है। और आगे पार्ट टाइम वालों के लिए भी बताया हुआ है, एलिजिबिलिटी ए भी बताई हुई है और सीट 1 है उनके लिए एलिजिबिलिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अप्लाई करने की लिंक दोस्तों सभी की अलग अलग है, फिर से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी की लिंक मिल जाएगी जो कि हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन में दे देंगे। आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी के नेम के अंदर आपको नोटिफिकेशन पर जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे जो कि हमने आपको शुरुआत में दिखाया है, और सभी ऑनगोइंग फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।